हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप सबको हरी मिर्च की एक ऐसी अनोखी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो आज से पहले ना तो किसी ने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। और मेरा दावा है कि इस रेसिपी से अगर आप एक प्लेट चावल खाते हैं तो आप 2 प्लेट चावल खाएंगे। ये रेसिपी इतना अधिक टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अधिक तीखा और चटपटा खाना पसंद करते हैं। आज हम मिर्च की सब्जी बनाने वाले हैं। तो जो लोग तीखा अधिक खाना पसंद करते हैं ये रेसिपी उन सब के लिए है। तो हम 2 आदमी के लिए बनाएंगे इसलिए मैंने इतना मिर्ची लिया है। आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब हम इन मिर्चियों के डंटी जो है वो अलग कर लेंगे। मैंने मिर्ची से सारे डंटे मिर्ची के डंटी जो है वो अलग कर लिए हैं। अब हम इसे धो के बीच से काट लेंगे। मिर्ची को ऐसे बीच से हमें 2 टुकड़ों में काटना है, इस तरह से। सभी मिर्च को मैंने बीच से टुकड़ों में काट लिया है। अब उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिला दूंगी। फिर इसे मैं आधे घंटे के लिए धूप में छोड़ दूंगी। मैं इसे धूप में इसलिए रख रही हूँ ताकि इसका अतिरिक्त पानी सूख जाए और ये थोड़ा तीखा, इसका तीखापन जो है थोड़ा सा कम हो जाए। अब हम इसके लिए मसाले तैयार कर लेंगे। हम जार में डालेंगे सरसों। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर थोड़ी अधिक मात्रा में डालेंगे ताकि मिर्ची का जो है स्वाद बना रहे। तो अब हम इसे काट लेंगे 4 टुकड़ों में। अब इसमें उन सारे कटे हुए टमाटरों को डाल देंगे। हम इसमें मिर्ची नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्ची की सब्जी बन रही है तो वो पहले से तीखा होगा ही, इसी वजह से हम इसमें मिर्ची नहीं डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा और लहसुन। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगी। गरम हो चुका है तो अब हम इसमें मिर्ची को डाल देंगे हल्का फ्राई करने के लिए। हम इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मिर्ची जो है वो फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेंगे। गरम ही है तो अब हम इसमें डाल देंगे ये पिसे हुए मसाले। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। अब हम इसको इसका पानी सूखने तक फ्राई करते हैं। इसको बीच बीच में चलाते रहें और इसका पानी सूखने तक वेट करें। ये देखिए मेरा मसाला जो है उसका पानी पूरी तरह से सूख चुका है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब हम इसमें वो जो मिर्ची हमने फ्राई करके रखी है उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब थोड़ी देर इसे और आंच पर छोड़ते हैं और एक जरा कुछ देर और पकने देते हैं। ये देखिए हमारी हरी मिर्च की सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आप इसे रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही सूखी सूखी रहने दें, और अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें। अभी हम लोग इसे चावल के साथ खाएंगे इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। ये देखिए
तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी रेसिपी? आप लोग भी एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये देखिए मैंने खाना सर्व कर लिया है। हमने चावल के साथ दाल और सभी सब्जी निकाल ली है। ये है मिर्च की सब्जी और ये आलू बैंगन पालक है और ये है साग। तो चलिए अब साथ में मिलकर खाते हैं। एक बार आप लोग भी मिर्च की सब्जी ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।